आज के वीडियो में सभी दीदी भाइयों को नमस्ते। आज के वीडियो में स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दीदी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 लाख निर्धन परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसमें प्रथम वरीयता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी जाएगी। सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 25 परिवारों का चयन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को शासन के 14 विभागों के 46 योजनाओं द्वारा लाभ दिलवाया जाएगा। सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौन सा रोजगार देने जा रही है, किन किन विभागों से जोड़ने जा रही है, इसको लेकर के सभी ग्राम पंचायत में सभी ग्राम प्रधान को सरकारी लेटर भी जारी कर दिया गया है। तो इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट आई हुई है, पूरी जानकारी हम आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो इस वीडियो में हम आप सबको सरकारी लेटर भी दिखाएंगे कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लेकर के क्या कुछ अपडेट आई हुई है। तो यहाँ पे आप सब देख सकती हैं, ये पूरा लेटर है, ये देखिए। प्रेषक मनोज कुमार सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय: प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों से 10 से 25 निर्धनतम परिवारों के त्वरित गरीबी उन्मूलन हेतु कार्यक्रम विषय, यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 से 25 निर्धन गरीब परिवारों को जो है चयनित किया जाएगा, उनको गरीबी से बाहर निकाला जाएगा ताकि वो अपनी गरीबी से बाहर निकल सके और आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। तो यहाँ पे देखिए महोदय, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 में ग्राम पंचायतों के कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन 15 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित उक्त अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा कृषि काटेज एवं विलेज इंडस्ट्री एवं अन्य सहायक क्षेत्रों में कार्य करने की जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उक्त के क्रम में कृपया विभागों के रोजगार परक योजनाओं तथा डीबीटी द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे लाभ को समेकित रूप से 5 लाख निर्धनतम परिवारों पर लक्षित करते हुए इन परिवारों के त्वरित गति से निर्धनतम उन्मूलन के संबंध में यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। शासनादेश संख्या 136/38/22/2/2021 दिनांक अप्रैल 19/2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को शासन के 14 विभागों के 46 योजनाओं द्वारा लाभ दिलाए जाने के कार्यक्रम में उल्लेख है। यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इसमें प्रथम वरीयता दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शासन की 14 विभागों के 46 योजनाओं से जोड़ा जाएगा, यानी एनआरएलएम अन्य विभागों से अनुबंध करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अनुबंध के आधार पे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देगा। तो बार बार दीदी हम आप सबको वीडियो में बताते चले आए हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अभिसरण के माध्यम से अन्य विभागों से अनुबंध करके रोजगार नौकरी दी जाएगी। तो देखिए दीदी, अब उत्तर प्रदेश में यह काम शुरू हो चुका है, लेटर भी जारी हो चुका है। यह लेटर सभी ग्राम पंचायत में सभी ग्राम प्रधान के पास भेज दिया गया है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 से 25 निर्धनतम परिवार पूरे प्रदेश में लगभग 5 लाख ऐसे परिवारों की पहचान कर उन्हें स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क के अंतर्गत लाते हुए शासन की समस्त योजनाओं यथा आवास, मनरेगा, रोजगार योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा व विकलांग पेंशन, क्षमता निर्माण, आजीविका संवर्धन, गतिविधि, श्रम विभाग की योजनाओं, स्वास्थ्य बीमा आदि अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें त्वरित गति से व निश्चित समय अवधि में गरीबी से बाहर निकाला जाए। तो यानी इन विभागों से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा जाएगा, इतनी सारी योजनाओं का लाभ स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राम प्रधान के नेतृत्व में प्रत्येक ग्राम पंचायत में निवास कर रहे गरीब परिवारों में निम्नांकित वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, यानी गरीबता को ध्यान में रखते हुए निर्धनतम परिवार की पहचान व पंजीकरण किया जाना है, जिन वल्नरेबिलिटी के असर से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीब परिवारों को निर्धनतम श्रेणी में अंकित किया जा सके वे निम्नमत हैं। यानी ग्राम पंचायत में ऐसे कितने परिवार हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, प्रथम वरीयता किसको दी जाएगी। तो प्रथम वरीयता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही दी जाएगी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ही यह लेटर जारी किया गया है। तो इसमें देखिए, अकेली गरीब महिला, विधवा, परित्यक्ता
विवाहितता निराश्रित, यानी जो महिला अकेली रह रही हो, विधवा हो और तलाकशुदा हो, ऐसी महिला को जो है योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी परिवार का मुखिया, वृद्ध, 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र और एकमात्र कमाऊ सदस्य, परिवार का मुखिया विकलांग और एकमात्र कमाऊ सदस्य, परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे या गरीब परिवार के सदस्य, मुखिया प्रवासी मजदूर हैं, गरीब परिवार के आपदा प्रभावित क्षेत्र में निवास करते हैं, गरीब परिवार और भूमिहीन है, परिवार गरीब हो और उसका मुख्य आजीविका शिल्पकारी हस्तशिल्प है, परिवार गरीब है, उनके सदस्य मुखिया दैनिक मजदूरी करते हैं, गरीब परिवार का कोई सदस्य या मुखिया अति गंभीर बीमारी से ग्रसित है, यानी जो भी महिला बेसहारा है, निराश्रित है, तलाकशुदा है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को, 65 वर्ष की महिलाओं को और जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है और जो अति गरीब हैं, आपदा से ग्रसित हैं, लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसे परिवारों का जो है चिन्हांकन किया जाएगा, ऐसे परिवारों को अन्य विभागों से जोड़ा जाएगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, वो अपनी गरीबी से बाहर निकल सके। तो यहाँ पे देखिए, गांव में निवास कर रहे गरीब परिवारों के मध्य से 10 से 25 निर्धनतम परिवारों की पहचान करने के लिए ग्राम प्रधान, ग्राम स्तरीय कर्मचारी जैसे ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, ग्राम स्वच्छता कर्मी आदि तथा आजीविका मिशन के सामुदायिक कैडर जैसे बीसी सखी, समूह सखी, आईसीआरपी इत्यादि को अपने साथ संबंध कर सकेंगे। इन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबंध किया जा सकेगा, जिसका विवरण व दिशा निर्देश संलग्न में प्रस्तुत किया जाना है। यानी दीदी, ग्राम प्रधान के द्वारा, सफाई कर्मचारी के द्वारा, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक और स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो भी दीदियां कैडर्स के रूप में कार्य कर रही हैं, जैसे समूह सखी, बीसी सखी, बैंक सखी, आईसीआरपी दीदी, इनके द्वारा जो है अपने अपने पंचायत में ऐसे निर्धन गरीब परिवारों का चिन्हांकन किया जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन यूनिफाइड पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। लेटर तो बहुत बड़ा है, खबर तो बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वही हम आप सबको बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, इस संदर्भ में संपूर्ण गरीबी उन्मूलन एवं अगले 5 वर्षों में हर परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में शासन द्वारा कई सफल नवाचार विगत वर्षों में किए गए हैं। गरीबी उन्मूलन एक बहुआयामी दृष्टिकोण है, अतः ये आवश्यक है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रूपरेखा भी बहुआयामी हो। यह उचित होगा कि महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य व आजीविका संवर्धन आदि विषयों में सेक्टरल अप्रोच के स्थान पर इंटीग्रेटेड अप्रोच के स्थान पर कार्य किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सभी विभागों के मध्य समन्वय के बाद भी सभी योजनाओं के लाभ व समेतिक प्रभाव किसी विशिष्ट लाभार्थी वर्ग के लिए लक्षित करना एवं एक कठिन कार्य है। इस कार्य का कोई कंसोलिडेट रिपोर्ट शासन के लिए जनरेट नहीं होता है। शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त अलग अलग योजनाओं के लाभ को समेतिक रूप से चयनित निर्धनतम परिवारों पर लक्षित कर उनके गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को त्वरित एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। यह शासनादेश इस नवाचार के लिए उद्देशित है, जैसा कि संदर्भित अप्रैल 19/2022 के शासनादेश में उल्लिखित है। डीबीटी से संबंधित नवाचार यूनिसेफ द्वारा सहायतित की गई निर्धनतम परिवारों की पहचान तथा उनमें योजनाओं के समेतिक लाभ की डिलीवरी की परियोजना पीसीआई ग्लोबल के सहायता से लागू की जा रही है, जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो है अब अभिसरण के माध्यम से अन्य विभागों से भी जोड़ा जाएगा, रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार का यही उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठा सके। तो इसको लेकर के दीदी सरकार ने लेटर भी जारी कर दिया गया है। यह लेटर सभी ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान जी के पास भेज दिया गया है। अब सभी ग्राम पंचायत में 10 से 25 निर्धन महिलाओं का चयन किया जाएगा और वो भी महिला स्वयं सहायता समूह से ही होगी और उनको जो है रोजगार से जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, वो भी दीदी अपनी गरीबी से बाहर निकल सके, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बन सके। सरकार का यही उद्देश्य है हर परिवार से एक न एक सदस्य को स्वरोजगार से जोड़ना।
ठीक है। तो यही अपडेट आई हुई है दीदी, तो हमने सोचा वीडियो के माध्यम से आप सबको अवगत करा दें, ताकि आप लोग अपने अपने यहाँ इस को लेकर के तैयारी बना लीजिए। ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी, समूह सखी, बैंक सखी, बीसी सखी से बराबर आप लोग बात करते रहिएगा और अपना वहाँ पे नाम लिखवाइएगा। जब चिन्हांकन होगा आप लोग भी अपना नाम लिखवाइएगा, ताकि आप सबको भी सरकार की इन योजनाओं का लाभ मिल सके। तो दीदी, आज की यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।